हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यूट्यूब फैमिली मेरी, तो आज हम जा रहे हैं हॉन्टेड प्लेस उग्रसेन की बावली। वैसे इसको अग्रसेन की बावली भी कहते हैं। तो चलिए वहां पर आपसे मिलते हैं चलकर, और खूब सारा एंजॉय करेंगे, एंजॉय के साथ मस्ती करेंगे। और वहां जाने के बाद आपसे मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बस से जा रहे हैं, कि जैसा कि हम अग्रसेन की बावली में आ चुके हैं। इसे अग्रसेन भी कहा जाता है और उग्रसेन भी कहा जाता है, देख सकते हैं आप। उग्रसेन की बावली का मेन गेट ये है, जाने का रास्ता अंदर का। मास्क मैंने लगा रखा है, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना टाइम चल रहा है। बाहर साइड में देखने में ऐसा है उग्रसेन की बावली। कोई इसे उग्रसेन बोलता है, कोई अग्रसेन बोलता है, देख सकते हैं आप। ये इमारत, ये कुआ है, 60 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। ये लाल बलुए पत्थर से बनी हुई है इसकी इमारत। ये कोरोना के चक्कर में सैनिटाइजर का भी सिस्टम अच्छा लगा रखा है। लाओ मैं भी सैनिटाइज कर लेती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बाहर का सीन है और ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना पेड़ है। चलो अब चलते हैं अंदर, अंदर का सीन दिखाते हैं आपको। जब तो हम अंदर एंट्री कर रहे हैं, और आपको पता है यहाँ की एंट्री भी सिर्फ 6 बजे तक है। 6 बजे के 6 बजे बंद भी हो जाता है। ये है उग्रसेन की बावली। वाओ कितना प्यारा सीन है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। कितने लोग बैठे हुए हैं। हम सबसे ऊपर टॉप पे खड़े हैं और उग्रसेन की बावली ऊपर से देखने में ऐसा लगता है। ये 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है इसकी ऊंचाई चौड़ाई, देख सकते हैं आप। जैसे कि इसकी सीढ़ियाँ भी 105 हैं। ये लाल बलुए पत्थर से बनाई गई है इमारत। यहाँ अंदर आने का कोई एंट्री चार्ज नहीं है, और यहाँ पर फैमिली भी आती है, कपल भी आते हैं, देख सकते हैं जैसा कि आप। कितने लोग हैं यहाँ पर। ये अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं। अंदर जाने का अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं लाल बलुए पत्थर का बना हुआ है। ऊपर से नीचे देखने में ऐसा है।
यहाँ की एक छोटी सी हिस्ट्री बता रही हूँ मैं आपको कि यहाँ का जो काला पानी था, जो सब कहते थे कि काला पानी है, वो लोगों को अट्रैक्टिव करता था, अपनी तरफ खींचता था। देख सकते हैं कितना लंबा है इसका लंबाई। यहाँ मैंने गार्ड से पूछा था तो गार्ड ने कहा कि यहाँ पर 1000 से 1200 लोग रोज आते हैं वीडियो बनाने, फोटोशूट के लिए और यहाँ की जानकारी लेने के लिए। नीचे से देखने में ऐसा है उग्रसेन की बावली। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वो रास्ता है, अंदर कुआं है जिस रास्ते में, और यहाँ पर काला पानी था पहले। आप इस पुरानी फोटो में देख सकते हैं ऐसे ही पहले था काला पानी। इस काले पानी को देखकर लोग अट्रैक्टिव होकर सुसाइड कर लेते थे, इसलिए इसको हॉन्टेड प्लेस कहा जाता था। और मेरे हिसाब से यहाँ भूत ऊत कुछ नहीं है। इसकी हिस्ट्री यही है। और अब चलते हैं घर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं बिना मास्क के यहाँ पर एंट्री नहीं है, और अगर आप आए तो यहाँ पर कोरोना का नियम है जो वो आप फॉलो करें। बाहर का रोड ये है, उग्रसेन की बावली का सामने का ही सीन है। देखा आपने कितना अच्छा है उग्रसेन की बावली। ये दिल्ली के बीचों बीच है, बीचों बीच स्थित है, और ये लाल बलुए पत्थर से बनाई गई है इमारत, और ये 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी महाभारत के टाइम। तो आप देख सकते थे, देखा होगा आपने कितना अच्छा है। और इसकी 105 सीढ़ियां हैं इमारत में। इसे उग्रसेन भी बोलते हैं, अग्रसेन, कोई कोई लोग तो उग्रसेन के नाम से जानते हैं और कोई अग्रसेन के नाम से जानते हैं, और कोई कोई तो जानता ही नहीं है कि कर्नाट प्लेस में कोई उग्रसेन की बावली भी है। क्योंकि हम आ रहे थे तो आते आते हमने कितनों से पूछा कि ये कहाँ पड़ता है, तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता। कितने लोगों ने बताया और कितने लोगों ने मना कर दिया डायरेक्ट। अब अगर कोई बताता भी है तो वो गलत रास्ता, कोई कहता है इधर है, कोई कहता है उधर है। तो आप जान सकते हैं, अगर आप आना तो मैप के थ्रू आना, ना तो फिर ढूंढते रह जाएंगे आप। बस भी आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, जान सकते हैं, देख भी सकते हैं हम जब निकले थे उस टाइम का मौसम और आपका टाइम। और ये इमारत जो है वो 6 बजे बन रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, हमने बहुत इन्जॉय किया, मस्ती किया, और घर पहुंच के आपसे मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और तो आप बताना कमेंट में करके कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा। और एक बात और बताना चाहूँगी, सब कहते हैं ये हॉन्टेड प्लेस है, मेरे हिसाब से तो ये हॉन्टेड प्लेस 1% नहीं है। और ये दिल्ली में कर्नाट प्लेस में है, दिल्ली के बीचों बीच में। कर्नाट प्लेस को दिल्ली का दिल कहते हैं, आपको पता होगा।
वैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल वाले हैं, इसी चक्कर में आप जान सकते हैं, देख भी सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। आप जब भी दिल्ली में आना तो अमृत सैन की बावली घूमना, इंजॉय करना और फिर बताना कि आपको कैसा लगा। देख सकते हैं यहाँ कितनी ज़्यादा हरियाली है, हरियाली भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं और चलिए घर पे मिलते हैं, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कहीं पे भी जाना हो या तो पहले आप वीडियो को चेक करके तब जाना। बाय बाय।